चेन्नई से मुंबई के बीच आज से वाटर टैक्सी की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्वानंद सोनेवाल की वर्चुअल उपस्थिति में आज बेलापुर जेट्टी और जल परिवहन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री असलम शेख और अब्दुल सत्तार भी मौजूद थे। मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वाटर परिवहन से महाराष्ट्र की प्रगति को नया आयाम मिलेगा, वही स्थानीय लोगों को भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। देखिए रिपोर्ट। आज से नई मुंबई में बेलापुर जेट्टी और वाटर टैक्सी का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज नई मुंबई से बेलापुर के बीच वाटर टैक्सी का वर्चुअल शुभारंभ किया। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्वानंद सोनवाल ने भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल हिस्सा लिया। वहीं बेलापुर में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री असलम शेख, मंत्री अब्दुल सत्तार, सांसद राजन विचारे और स्थानीय विधायक मंदा मात्रे, शिवसेना उपनेता विजय नाहटा समेत तमाम नेता और अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने अपने वर्चुअल संबोधन में बेलापुर जेट्टी और जल परिवहन को महाराष्ट्र की प्रगति के लिए नया आयाम बताया। वहीं नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वाटर टैक्सी के शुभारंभ से जहां प्रदूषण कम होगा, वहीं पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने पर केंद्र सरकार और मैरीटाइम बोर्ड के अधिकारियों के प्रति भी आभार जताया। आइए सुनाते हैं नगर विकास मंत्री ने क्या कुछ कहा। अभी तो शुरुआत हो गई है, बेलापुर जेट्टी से जाएगा नवी मुंबई से मुंबई भाव का, यहाँ पर वाटर टैक्सी शुरू हुई है, एक अच्छी शुरुआत हुई है। इसके वजह से ट्रैफिक डीकंजेस्ट होगा, यहाँ पर पोल्यूशन कम होगा, यहाँ पर समय की बचत हो जाएगी, पेट्रोल डीजल की बचत हो जाएगी, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और निश्चित रूप से एक आज हम लोग कई देशों में कई जगह पर ऐसे वाटरवेज वाटर ट्रांसपोर्ट है, वाटर टैक्सी चलती है। हमारे यहाँ शुरुआत हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सबर मंत्री जी है सोनोवाल जी, उनका भी अभिनंदन मुख्यमंत्री महोदय जी ने किया है, क्योंकि महाराष्ट्र को और मुंबई नवी मुंबई को प्राथमिकता दी है, इसलिए ये अच्छी शुरुआत है, इसका स्वागत सभी लोग कर रहे हैं। बताना जरूरी है कि बेलापुर से मुंबई के लिए वाटर टैक्सी का किराया 800 रुपये से 1200 रुपये रखा गया है, जबकि कैटामरान सर्विस के लिए 280 रुपये किराया बताया गया है। हालांकि सानी बीजेपी विधायक मंदा ताई मात्रे ने वाटर टैक्सी के किराए को ज्यादा बताते हुए इसे कम करने की मांग की। उप मुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री से अपील करते हुए मंदा ताई मात्रे ने कहा कि यदि किराया कम होता है तो इससे सामान्य लोग भी वाटर टैक्सी का सहज उपयोग कर सकेंगे। 2004 पासून अपन जेटी विजन है नवा मुंबई मध्ये आणलं, दिवा असेल, घनसोली असेल, वाशी असेल, दिवाळा गाव असेल किंवा बेलापूर जेटी असेल, या प्रत्येक जेटींसाठी आपण आमदार निधी असेल किंवा महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड असेल, आणि आजची जेटी आहे ही सागरमाला केंद्र शासनाचे पैसे आणलेले आहेत, आणि त्यातून आज ही जेटी निर्माण होऊन आज वॉटर टॅक्सीचं सुद्धा उद्घाटन झालेलं आहे। माझी सरकारकडे मागणी आहे की ही वॉटर टॅक्सी सर्वसामान्यासाठी प्रवास करायला ह्याचे दर कमी असावे, आणि हे दर कमी झाले तर सर्वसामान्य माणूस या वॉटर टॅक्सीत बसू शकतो। मला माहिती आहे आजचे दर न परवडण्यासारखेच आहेत, कारण डिझेल महाग झालेलं आहे, आणि इतकी मोठी ही जी पॉवर टॅक्सी आणलेली आहे तर त्यांनाही परवडणारी नाही, पण ही सुरुवात आहे, तर सुरुवातीला जर लोक तुमच्याकडे जर यायचे असेल तर तुम्ही हा दर कमी करून द्यावा अशी मी राज्य शासनाला आपल्या माध्यमातून मगाशीच मागणी केलेली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।